कोल्ड रूम में पड़े हैं कई अज्ञात शव, अपनों को घर ले जाने का इंतजार कर रहे परिजन। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेन दुर्घटना के बाद पीड़ितों के परिजन अभी भी अपने प्रियजनों के शवों के बारे में सुराग जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मृतकों के परिजन एम्स और 5 अन्य केंद्रों में वर्तमान में रखे गए शवों का दावा करने के लिए अपने डीएनए नमूने देने के लिए भुवनेश्वर एम्स में एकत्रित हुए हैं। नहीं मिल रहा पीड़ित को बेटे का शव। एक पीड़ित के पिता ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि अस्पताल ने उन्हें अपने बेटे का शव देने से इनकार कर दिया है क्योंकि उसकी डीएनए रिपोर्ट अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के हाथ से मौत हो गई है, उसके साथ 3 और लोग थे, 2 मिल गए हैं और 1 अस्पताल में है। मुझे मेरा बेटा यहाँ मिला है लेकिन उन्होंने उसका शव सौंपने से इनकार कर दिया है। हाथ में बंधे धागे से मैंने अपने बेटे की पहचान की है, डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही वे शव सौंपेंगे। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं अपने बेटे का शव अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। कई लोग अपने डीएनए नमूने जमा करने के बाद अपने घरों को लौट गए हैं क्योंकि उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि उनमें से कुछ अपने रिश्तेदारों के शव मिलने की उम्मीद खो चुके हैं और घर जाने की योजना बना रहे हैं। लोग बिना शव लिए ही लौट रहे घर। पीड़िता के भाई ने बताया कि वे कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक मेरे भाई का शव नहीं मिला है। अब मैं अपने घर लौटने की सोच रहा हूं। मैं जितना कर सकता था मैंने कोशिश की लेकिन अब 3 दिन हो गए हैं। मैंने अपना डीएनए जमा कर दिया है और मुझे वापस जाने के लिए कहा गया है। अभी कुल 30 सैंपल लिए गए हैं। इस बीच सरकार ने सभी डीएनए नमूने दिल्ली एम्स भेजने का फैसला किया है। सभी लाशों को एक कोल्ड रूम में रखा गया है। लाशों पर अभी लोगों द्वारा दावा किया जाना बाकी है क्योंकि डीएनए रिपोर्ट साझा करने के लिए 7-8 दिनों की प्रतीक्षा अवधि है। इस बीच ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना ने मंगलवार को कहा कि बालासोर ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या को संशोधित कर 288 कर दिया गया है। 193 शव भुवनेश्वर और 94 शव बालासोर भेजे गए। 288 शवों में से 193 को भुवनेश्वर और 94 शवों को बालासोर भेजा गया था। भद्रक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले एक व्यक्ति का शव उसके एक रिश्तेदार को सौंप दिया गया था। ओडिशा के मुख्य सचिव ने कहा कि भुवनेश्वर भेजे गए 193 शवों में से 110 की पहचान कर ली गई है और 83 की पहचान की जाना बाकी है। इससे पहले सोमवार को अधिकारियों ने कहा था कि अभी 101 शवों की पहचान की जाना बाकी है। 200 लोगों का चल रहा इलाज। एएनआई से बात करते हुए पूर्व मध्य रेलवे के मंडल रेलवे प्रबंधक वेंकेश राय ने कहा कि ओडिशा के विभिन्न अस्पतालों में अभी भी लगभग 200 लोगों का इलाज चल रहा है। 2 जून को ओडिशा के बालासोर जिले में बहानगर बाजार स्टेशन के पास शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 1000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। रेलवे ने कहा कि जहां तक शुरुआती जांच से पता चलता है कि ये दुर्घटना सिग्नलिंग इंटरफेरेंस के कारण हो सकती है।